सगाराम। जी साहब। बाहर का दरवाजा बंद कर दो। बरा साहब। सिगरेट? नो थैंक्स। चीयर्स। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम पर इतना मेहरबान क्यों। उसकी दो वजह। एक तो तुम्हारे डैडी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग एक दूसरे के काम में आए, दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। और दूसरी, तुम्हारे खिलाफ जो वकील है ना, अरुण वर्मा, उसकी और मेरी पुरानी खुनस है। उस साले ने दो केस क्या जीत लिए, वो समझता है हम पुलिस वाले उसका गुलाम है। नॉनसेंस। सुनिए, यहां आइए। बोलो। आज शाम होने से पहले 50,000 कमाना चाहेंगे आप? 50,000? वो कैसे? मुझे 1 घंटे के लिए छोड़ना होगा। घबराइए मत, पैसे पहले मिलेंगे, छोड़िएगा बाद में। ये लो 50,000। देर तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन 1 घंटे का मतलब 1 घंटा। मुझ पर विश्वास रखिए इंस्पेक्टर। कम तुम। थैंक्स यार टोनी, तुम नहीं आते तो ये कोट और चाकू मुझे फांसी के तख्ते पहुंचा देते। डोंट वरी विक्की, मैं इन सारे सबूतों को खत्म कर दूंगा। और ये इंदु की चिट्ठियां भी जला देना। ओके ओके, अब जल्दी करो। थैंक्स यार। गुड इवनिंग। पुलिस स्टेशन वाले खुद आपको लेने आए हैं हुजूर। चलिए, आपके लिए गाड़ी ये नहीं, वो वो वो। हमें आपके पिताजी ठकराल साहब को यह समझाना है कि हमारा पुलिस स्टेशन ईमान खरीदने और बेचने की दुकान नहीं। ये रही पुलिस, वो रहा कानून, ये रहे आप सबूत के साथ। चला गाड़ी। चाकू इंस्पेक्टर, कैसा? आप 1 मिनट में गल जाएंगे। मैंने अपना काम कर दिया इंस्पेक्टर, अब तुम अपना काम करो। ये तुम क्या कह रहे हो टोनी? मैं ठीक कह रहा हूं अंकल। ठकराल साहब, हमें कुछ करना चाहिए। अगर ये खत कोर्ट तक पहुंच गए तो हमारे सारे सबूत, सारी गवाहियां गलत साबित हो जाएंगी। फिर दुनिया की कोई भी ताकत विक्रम को नहीं बचा सकेगी सर। लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा वकील अपने बेटे को नहीं बचा सका। अरुण वर्मा जितना भी रुपया मांगे हम दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं मानेगा सर। ठकराल साहब, कोई तरकीब, कोई रास्ता तो होगा। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। माइलॉर्ड, इस मुकदमे में कुछ नई पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रोसिक्यूशन को चंद दिनों की और मोहलत दी जाए। अदालत प्रोसिक्यूशन को 3 दिन की मोहलत देती है, उसी के साथ आज की अदालत बर्खास्त की जाती है। क्या कह रहे हो अरुण? मैं ठीक कह रहा हूं, यह पढ़ लो।
तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में, और अगर उसे जिंदा वापस चाहते हो तो आज रात के 2 बजे विक्रम के सारे खत लेकर अकेले बुरी पार्क में आ जाओ। माय गॉड, ये भाई मुझे 2 बजे से बहुत पहले ये पता लगाना कि माँ कहाँ है। बहुत गड़बड़ कर दी उन्होंने, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। गाड़ी को भी इसी वक्त खराब होना था। अरुण, अरुण, वो देखो। माँ, तुम अंदर के दरवाजे अपनी तरफ से बंद कर दो। अरुण, माँ तुम बाहर मत निकलना। छुप जाओ।
अरुण की जुबान बंद रखने के लिए ये भी काफी है। ले चलो। तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते, कहीं नहीं। माँ जी चली जाइए यहाँ से। हम तो सिर्फ सूद लेकर जा रहे थे, यहाँ तो असल भी मिल गया। ठकराल, छोड़ दे इस बच्ची को, मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। आप फिक्र मत कीजिए, हम छोड़ देंगे इसे और आपको भी छोड़ देंगे, लेकिन पहले अदालत विक्रम ठकराल को छोड़ेगी। विक्रम ठकराल उर्फ विकी को खौफनाक कत्ल के जुर्म में जेर दफा 302 के तहत सजाए मौत करार देती है।
मौत करार देती है, सजाए मौत करार देती है, सजाए मौत करार देती है, सजाए मौत करार देती है। इसी दुनिया में दोजख है, इसी दुनिया में जन्नत है, यहाँ होते हैं सबके फैसले, ये वो अदालत है। हा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